कलर चेंज हो रहा है, सिल्वर कलर हो गया है। पता नहीं मैं कब फिर से ब्लॉगिंग कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। बहुत रात हो गया था कल सोते सोते, एक मूवी देख रही थी, ऊंचाई। अच्छा लगा मूवी, बहुत कुछ सीखने को। वैसे भी अमिताभ बच्चन जी इतने अच्छे अच्छे लाइन्स बोलते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो उनकी मूवी थी इसलिए देखा, अच्छा लगा। दूध नहीं पिया था तो दूध हॉर्लिक्स पी लेती हूँ। चार चार बिस्किट लिया है आज मैंने। माई फेवरेट मॉम्स मैजिक, देखो कितना सुंदर है ना। सुबह सुबह स्माइल का मन करेगा, बहुत ही अच्छा लगता है दूध में डूबे डूबे के खाने में। और साथ में ऑब्वियसली माई फेवरेट मलाई। आज थोड़ा काम है, ऊपर में था, मैंने खा लिया पहले ही। लंच में क्या क्या बनेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी बैठ के काट रही थी। यहाँ पे है आलू, क्योंकि आज चिकन बनेगा इसके लिए आलू काट के रखा है। ये एक टमाटर है, बाकी मसाला मतलब ऑनियन गार्लिक अभी तक काटा नहीं है। और यहाँ पे ना एक सब्जी बनाऊंगी, पालक थोड़ा सा बचा हुआ था। और यहाँ पे सारे जो जो वेजेस मेरे पास थे वो सब लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे आरबी और जो मूली है ना वो डालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्वाद ज़्यादा आता है। और पम्पकिन भी। कॉलीफ्लावर का जो डंठल होता है उसको थोड़ा सा स्टीम दे दिया है, एक दो सीटी। तो इसके साथ ये बनाऊंगी, बहुत अच्छा बनता है। और लहसुन का छौंक लगा के। और बाय द वे हमारा ब्रेकफास्ट अभी तक हुआ नहीं है, कुछ देर बाद ही करूंगी। अभी जस्ट कटिंग करके रखा है, फिर आके इधर बैठ गई। फाइनली अभी थोड़ा सा ठीक है। एक्चुअली वो आपसे मिली थी ना, जब मैं वो बटर रख रही थी तब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके बाद से मोबाइल मेरा ब्लैंक हो गया, कुछ भी वीडियोस नहीं हो रहा था। बार बार ट्राई कर रही थी, जब भी कैमरा ऑन कर रही हूँ तब भी अंधेरा हो रहा है। मतलब उसका जो स्टोरेज है आई थिंक फुल हो गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सारा डेटा जो है वो इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके मोबाइल खाली होगा, तब हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए, मैं आपसे जल्दी जल्दी मिल पाऊँ। पता नहीं मैं कब फिर से ब्लॉगिंग कर पाऊंगी, कब आपसे मिल पाऊंगी ठीक से। एक भी वीडियो नहीं किया, कितना कुछ किया, एक भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, क्या करूँ। सुबह से शुरू किया था अच्छे, बीच में देखो क्या हो गया। घड़ी में ऑलमोस्ट 1 o'clock बज चुका है। जब तक ना ये प्रॉब्लम ठीक हो रहा है तब तक मेरा दिमाग भी ठीक नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आपसे मिल पाऊंगी। अभी थोड़ा सा स्पेस बचा था उसी में आपको बता दिया, फिर ये सब खाली करने में एक डेढ़ दिन तो लग सकता है, फिर जाके आपसे मिल पाऊंगी। तब तक के लिए बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी अभी वो ऑफिस के लिए रवाना हुए हैं। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ है, पूरा नहीं। अभी भी मोबाइल सिंक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, मैंने सोचा उसी बीच आपके साथ बातें कर लूँ। और मैं यहाँ पे फ्रूट्स लेके बैठी हूँ कुछ। आज यहाँ पे फ्रूट्स मैंने लिया है, बनाना, खजूर और ये एप्पल। खजूर खाया करो, बहुत अच्छा है खाने में, मतलब छिलका विलका हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही बात है, मैंने सोचा कुकिंग थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा कुकिंग नहीं किया है, बस उनको टिफिन बना के दे दिया है। क्योंकि घर में आज बहुत काम है, रत्ना आज नहीं आएगी, उसने छुट्टी ली है। तो मैं अभी काम स्टार्ट करूंगी, उससे पहले आपको थोड़ा अपडेट दे दिया आज सुबह का। और मोबाइल चार्ज में लगाना पड़ता है जब ये सिंक होता है, तो मैंने चार्ज से हटा के अभी आपसे बात कर रही हूँ। कुछ देर बाद फिर से चार्ज में लगाऊंगी। ये फ्रूट्स खा लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए दिया। चलो फिर फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर आपसे मिलूंगी। काम करने से पहले थोड़ा सा ऑयल मसाज कर लेती हूँ। ये करते करते एक घंटा हो जाएगा, मैं नहा भी सकती हूँ, मतलब शैम्पू कर सकती हूँ। नहीं तो ना, जब भी मुझे याद आता है तब मुझे लगता है अरे अब तो 10-15 मिनट बाकी है नहाने को, क्या ऑयल मसाज करूँ। अच्छा अभी कर लो, फिर उसके बाद काम शुरू करूँगी। डन। देख लो
मेरी लोहे की कढ़ाई, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है, सिल्वर कलर हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत क्लीन हो चुका है, इसका जो कालापन है ना वो निकल चुका है। तो हर बार वॉश के बाद ना ऐसे किसी भी सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ के, थोड़ा भी पानी रहेगा ना तो जंग लग सकता है, तो इसको कुछ उल्टा तरफ भी अच्छे से पोंछ देना है और इसको ऐसे हवा में सुखाने के लिए रखना है कुछ देर। पहले तो दिमाग में तहलका मचता है जब सुनती हूँ मेड नहीं आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे दिमाग सेटल होता है और मैं कुछ ज़्यादा ही काम करने लगती हूँ, एकदम सा काम ढूंढ के निकालती हूँ जो रोज़ रोज़ होता नहीं है। जैसे कि मेरा एक प्रोटोकॉल है, मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज करती हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, देन मॉपिंग। तो ये सब काम मेरा एक के बाद एक चलता है और रत्ना आ जाती है ना उस बीच, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ रह जाता है। सो आज मुझे मौका मिला है, सब आराम से कर लिया, इसके बाद नहाऊंगी। और मेरा आज का सिंपल लंच थाली, चलो ये है बॉयल दाल, मसूर का दाल है बॉयल, यहाँ पे है एक ऑमलेट और है ये मेरा प्यारा सा फेवरेट सलाद, ये आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो कर लेती हूँ लंच, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करेंगे इवनिंग में। यहाँ पे है 200 ग्राम पनीर, पनीर को ऐसे क्यूब पीसेस में मैंने काट लिया है। अभी है मैरिनेशन टाइम, यहाँ पे ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड ऐड कर दूँगी नमक। कभी पनीर को ऐसे मैरिनेट करके यूज़ किया है? ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी शेयर किया था, आज बहुत दिनों बाद मैं ये बना रही हूँ। ये वन ऑफ माई बेस्ट पनीर की रेसिपी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और घर में सबको तो अच्छा लगता ही है, तो एक बार और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से इसको मैरिनेट करके कुछ देर के लिए ना इसको ऐसे रख देना है बस, इसके इससे पनीर का कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहो तो पनीर को लंबा पीसेस में काट सकते हो, चाहो थोड़ा और मोटा क्यूब पीसेस में कट कर सकते हो, मैंने छोटा छोटा कट किया है क्योंकि मुझे आज छोटा पीसेस में ही काटना पड़ा, अच्छा लग रहा था। तो चलो अभी इसको मैरिनेट रहने देते हैं 4-5 मिनट के लिए। और आपको पता है इस रेसिपी के लिए मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है कसूरी मेथी, जो मेरे घर में ख़त्म हो गया है। लास्ट टाइम जब मैं किचन क्लीन कर रही थी उस टाइम में ही मुझे पता था कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं लेके आना भूल गई। सो अभी मैं फटाफट मार्केट जाऊँगी, कसूरी मेथी उठाऊँगी, लेके आऊँगी, फिर आपके साथ बाकी का रेसिपी शेयर करती हूँ। हो गया शिव जी का दर्शन, आसपास से थोड़ा सा गैप था उसी में से दिख रहा है शिवा। ये MDH का है, बाबा रे इतना बड़ा क्यों है, इससे छोटा साइज भी होगा ना, इससे छोटा साइज है, देखो ये देखो। आ गया घर में कसूरी मेथी बड़ा वाला बॉक्स, चलो मिल गया, वैसे मिलता नहीं है। अभी मैं कपड़ा चेंज करूंगी और कुकिंग में लगूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, मैं खुद बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये खाने के लिए, एक बार आप ज़रूर बनाना। मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वो रेसिपी जब मैंने छोड़ा था 1 साल पहले शायद, तो उसके बाद से बनाया था लेकिन छोड़ा नहीं था रेसिपी, तो बनाया था बहुतों ने, तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर देख रहे हो तो। सो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पहले कपड़ा चेंज करूँ। सबसे पहले एक पैन लेंगे, तब छोटा सा पैन, और इसमें हम फ्राई कर लेंगे 1 चम्मच बेसन, ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट होगा, हल्का सा कलर चेंज होगा, हल्का सा एक स्मेल आएगा ये रोस्ट होने का, फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। पैन में ऐड कर देंगे घी, ये थोड़ा सा घी लिया है, घी को हल्का सा गर्म करेंगे, इसमें एक एक करके पनीर को फ्राई कर लेंगे बस 1-2 मिनट के लिए, फिर पैन समेत इसको साइड में रख देना है। प्याज को चॉप कर लेंगे, मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था इसलिए 2 प्याज लिया है मीडियम साइज का, हो गया है चॉप अच्छे से, ये देखो किस तरीके से चॉप करना है। पेस्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा दरदरा भी कर सकते हो, मुझे लगता है ये चॉप से ज़्यादा टेस्ट आता है। ग्रेवी हो गया है, इस टाइम पे यहाँ पे डाल देंगे ऑयल, ये व्हाइट ऑयल है, इसके साथ मिक्स करेंगे 2 टीस्पून घी। अब यहाँ पे डाल दूंगी जीरा, जीरा थोड़ा सा चटक गया है, इस टाइम पे यहाँ पे ऐड कर देंगे खड़ा गरम मसाला और तेजपत्ता, ये तेजपत्ता और ये रहा खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा करेंगे फ्राई और डाल देंगे थोड़ा सा हींग,
कर देंगे चॉप ऑनियन और इसको फ्राई होने दे जाएंगे। मैं ना थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि ये प्याज जो है अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो जाए। प्याज थोड़ा बहुत फ्राई हो गया है। मैंने यहाँ पे कूटी हुई जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं बोलूँगी, कूटा हुआ जिंजर गार्लिक डाल दिया मैंने यहाँ पर, कूटा कूटा मसाला डाल दूँगी। अब इसको एक बार और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक मैं ये सारा चीज़ ना गोल्डन गोल्डन हो जाए। खाना बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मास्टर शेफ, क्या नाम है आपका? तुम्हें खुंजी तो बेकी गए लो। ये तुम्हें खुंजी बेकी दिए चो? कुछ देखी? देखो ये बाबा, ये तमार बीए खुंजी। जीरो 18 बच्चों ने शादी का बोलता है। हाँ, खुंजी और 18 बच्चों ने शंगी हमार। तो जाइए हो, वो ये जो कर्ची है इन्होंने टेढ़ा कर दिया। देखो इधर से टेढ़ा कर दिया। तो इसमें मैं अभी ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्रिया? नहीं नहीं प्यूरी। ओके। पेस्ट किया है टोमेटो को। तेज पत्ता मैनेज करा जाता है ना? ईश सब सत्ता ही चला गया। तो आपके काफी काफी शादा हो चुले आज हिला हिला से भरता बना दो भरता। ऐसे तो भरते ना किया वाकियों। अच्छा ये टमाटर प्यूरी ऐड करने से पहले डालना पड़ेगा थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ठीक है? इससे कलर अच्छा आएगा। वही मैं देख रही हूँ कलर क्यों नहीं आ रहा। बस बस धोने पाउडर नहीं, धोने पाउडर और तो जीरे पाउडर। पका पका के अभी इसको ढक के पकाना है, फिर इसके अंदर से जो ऑयल रिड्यूस होगा उसके बाद मैं बाकी चीज ऐड करूंगी। ऐसा से नहीं होगा रे, ढाको। आई नो छोड़ी नहीं रहे, खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा था। बोल रहे टमाटर डाल के तुमने खुशबू का पूरा वो कर दिया, लेकिन टमाटर पकना है आराम से। कलर चले आज ऑलरेडी इसको जो है कुछ देर के लिए ढक दिया था ये टमाटर से, जब तक ना ऑयल रिड्यूस हो रहा है तब तक इसको ना पकाना है। ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया है, इस टाइम पे ऐड कर देंगे दही और इसको एक अच्छा मिक्स दे देंगे। ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, ये नमक भी पानी छोड़ेगा और इसको थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए मैं ढक के पकने दूंगी। अब टाइम है पनीर के पीसेस को ऐड करने का, जो हमने घी में फ्राई किया था और थोड़ा सा जो घी लगा हुआ है पैन में उसके साथ ही इसको इधर ऐड कर देना है बस, और अच्छे से मिक्स करो। ज़्यादा मिक्स मत करना तो पनीर हमारा टूट जाएगा। इसी टाइम से यहाँ पे ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, अगेन एक बढ़िया वाला मिक्स। ज़्यादा खरोच खरोच के मिक्स मत करना तो पनीर हमारा टूट जाएगा, और ऐसे मिक्स करना ताकि पनीर के हर एक पीसेस में ग्रेवी एकदम लटपट हो जाए। ढक दिया था मैंने कुछ देर के लिए, ये देखो ढक्कन उठाया तो इतना अच्छा खुशबू घर में फैल गया ना, लग रहा है हम किसी होटल में आए हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऐसा स्मेल आपको मिलेगा अगर पनीर वनीर ऐसे बन रहा है मसाले वाला। तो हमने ऐड कर दिया है गरम मसाला, अभी ऐड कर देंगे हरा फ्रेश धनिया। बस इसको एक बार और मिक्स करेंगे, ढक देंगे, कुकिंग बिल्कुल रेडी, अब बस खाने की देरी है। ये आ गया हमारा डिनर, पनीर का ये रेसिपी, उसके साथ 4-4 गरम रोटी, प्याज ज़रूर लेना अच्छा लगता है, और साथ में है गुड़। तो मैं चलती हूँ डिनर करने, आपसे मिलूँगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।